जरा सोचो क्या होगा जब एक भाई बहन को हो जाए एक दूसरे से प्यार। तो मूवी की शुरुआत हमारी हीरोइन नोआ से होती है जो पैकिंग कर रही थी, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ कहीं जाने के लिए निकल जाती है। नोआ कार में अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी क्योंकि उसकी मॉम अपने नए पति के घर शिफ्ट हो रही है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसका घर बहुत शानदार है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत अमीर आदमी है। नोआ की मॉम का पति उनका इंतजार कर रहा, वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोआ की मॉम काफी खुश थी, पर नोआ का पहले से खराब मूड उसे देखकर और खराब हो जाता है। नोआ अपने सौतेले पिता से सीधे मुंह बात नहीं करती क्योंकि वो अपनी मॉम के इस नए हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है। सपनों जैसा शानदार रूम देख के भी नोआ का मूड ठीक नहीं होता। फिर नोआ के दोस्त का फोन आता है तो नोआ उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं है। वो अपने सौतेले पिता की दी हुई किसी भी ड्रेस को पहनने वाली नहीं है। अपने दोस्त से बात करते हुए नोआ बाहर जाती है तो वही वो हमारे हीरो निक को देखकर डर जाती है। निक असल में उसके सौतेले पिता का बेटा है। निक का डॉग नोआ पे भौंकने लगता है, फिर निक उसे शांत करता है और नोआ के करीब आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी वहाँ उनके मॉम डैड आ जाते हैं और निक और नोआ को बताते हैं कि आज रात हम फैमिली डिनर पर जाएंगे। अब ये सब साथ फैमिली डिनर पर जाते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी निक और नोआ साथ टाइम गुजार रहे थे, जिसके बाद दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। निक को तो काम से जाना था, पर उसके पिता उसे जाने से पहले नोआ को घर छोड़ने का कहते हैं, पर निक का घर उसके काम के रास्ते में नहीं था और फिर वो अपने पिता के कहने पर नोआ को अपने साथ ले जाना पड़ता है और दोनों मजबूरन साथ घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों निक की कार में घर जा रहे थे तभी निक और नोआ की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो इतनी बढ़ती है कि निक नोआ को अपने गाड़ी से उतरने को कहता है। नोआ उसे मना करती है तो निक उसे खींच कर गाड़ी से निकालता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। नोआ सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी जब उसे एक गाड़ी आती नजर आती है तो उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। वो लड़का नोआ को लिफ्ट दे देता है तो नोआ उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। तो वो नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है। निक का नाम बताने पर वो लड़का नोआ से कहता है कि उसे पार्टी पे जाना था इसलिए वो तुम्हें यहीं छोड़ गया होगा। वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया था। ये सुनकर नोआ भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। नोआ पार्टी में आती है तो नोआ को वही लड़का उसे पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी नोआ की नजर निक पे पड़ती है जो लड़कियों से घिरा हुआ पूरी तरह अय्याशी कर रहा था। नोआ उसे देखकर सोचती है ये तो जरूरी काम कहकर आया था और यहाँ पार्टी में मस्ती कर रहा है। निक लड़कियों को किस कर रहा था ये देखकर नोआ उसके पास आती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझे एक सुनसान रोड पर छोड़कर यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। नोआ उससे कहती है कि तुम्हारे पिता को पता है कि तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। इस पर निक उससे कहता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। साथ ही वो नोआ को धमकी देता है और कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नोआ उससे कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। तो निक कहता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती है। निक नोआ के काफी करीब आ जाता है तो नोआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर निक जवाब देता है बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया लेकिन तुम मुझे हटा नहीं पा रही। नोआ उसे दूर करती है और निक फिर से अय्याशी करने लगता है। नोआ एक दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है। नोआ को उस ग्रुप का एक लड़का ड्रिंक देता है तो नोआ उसे पीती है लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। निक उसके पास आकर उस लड़के को मारने लगता है। नोआ निक पर गुस्सा करने लगती है तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। नोआ को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं तो निक उसे अपने साथ ले आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में लाकर सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा था तो नोआ उसके पास आकर पूछती है कि रात में हमारे बीच क्या हुआ। निक नोआ को तंग करता है और कहता है कि रात में हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। तो नोआ परेशान हो जाती है और नोआ निक के दोस्तों के साथ बीच में जाती है जहाँ निक भी आता है। निक पानी में चला जाता है तो नोआ उसे देखते ही रहती है। रात को निक रेसिंग करने लगता है तो उसकी नजर नोआ पर पड़ती है जो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर निक उस पे से नजरें नहीं हटा पाता। रेसिंग करते हुए भी वो नोआ को ही देख रहा था लेकिन फिर वो रेस पर ध्यान देता है और निक रेस जीत जाता है। रेस के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे तो नोआ को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि नोआ का बॉयफ्रेंड उसके दोस्त के साथ किस कर रहा है तो उसे काफी गुस्सा आता है तो वो वहाँ के एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो बनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ निक आकर उसे उस लड़के से दूर करता है। फिर वो उसका फोन देखता है तो समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। फिर निक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ किस करके फोटो ले लो। फिर नोआ हाँ करती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक फोटो लेकर
नोआ अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। फिर नोआ निक को एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी देखकर नोआ निक के कार में आकर बैठ जाती है। तभी निक का राइवल उसे बताता है कि निक की मेरे साथ रेस है, जिस पर नोआ उसे अपने साथ रेस करने को कहती है। फिर नोआ उसके साथ रेस करने लगती है। फिर निक नोआ को देखकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो ये रेस जीत जाती है। इसके बाद भी निक को अपनी कार और पैसे उस लड़के को देने पड़ते हैं। असल में निक को ये रेस करना था, पर नोआ ने रेस करके रूल ब्रेक किया था, जिसका नुकसान निक को हुआ था। नोआ उस लड़के से लड़ने लगती है, लेकिन निक उसे वहाँ से ले जाता है कि तभी वो लड़का नोआ को गाली देता है, तो निक उसे मारने लगता है। तो नोआ उन दोनों ग्रुप की लड़ाई देखकर डर जाती है, तो निक की दोस्त उसे निक की कार में बैठाती है। थोड़ी देर बाद निक भी आ जाता है। नोआ सो रही थी जब उसकी मॉम उसके पास आकर उसे बताती है कि आज उसके पिता ने पार्टी रखी है। निक कुछ दिन से गायब था, लेकिन सबको विश्वास था कि आज निक जरूर आएगा। पार्टी हो जाती है, लेकिन निक नहीं आता। नोआ अकेली बैठी थी, तभी निक आता है और नोआ के पास आकर बैठ जाता है, और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों किस करने लगते हैं और उनकी मॉम डैड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और नोआ को देखते हैं जो गाड़ी धो रही थी। तब वो देखते हैं कि निक उसे देख रहा है, तो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिंगाने लगते हैं। ये देखकर निक स्माइल करता है, लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड को उससे मिलाने ले आती है। नोआ ने जब से उसकी फोटो देखी थी, तब से उसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसे ठीक से बात नहीं करती। नोआ का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है, लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है, जिस वजह से वो नोआ के गाल पर ही किस कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि निक एक स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तब नोआ स्विमिंग पूल के पास आती है, तो वो उसे भी पूल में खींच लेता है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, तो नोआ का बॉयफ्रेंड दोनों को देखकर काफी हैरान होता है। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज देती है, तो निक वहां से चला जाता है। नोआ अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, जिस पर वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जब मैंने तुम्हारी दोस्त को देखा तो मुझे उसमें तुम नजर आए। निक कहीं जा रहा था, तब उसे वही लड़का मिलता है जिसने नोआ को गाली दी थी। अब भी वो नोआ का नाम लेकर निक से पंगेबाजी करने लगता है। निक की उस लड़के से काफी लड़ाई हो जाती है, जिसे वो घायल होके घर आता है, तो वो नोआ के पास चला जाता है जो सो रही थी। निक नोआ के पेट पर एक निशान देखकर उसे छूने लगता है, तो नोआ की नींद खुल जाती है और उसे जोर से पंच मारती है, तो उसकी नाक से खून आने लगता है। नोआ निक को देखकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है। फिर दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जो नोआ का बॉयफ्रेंड देख लेता है। तो नोआ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस बारे में किसी से बात मत करना और अब यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोआ की मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड के खत देती है, जो वहाँ से जा चुका था। नोआ चैन की सांस लेती है। फिर नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, तो दोस्तों को वहाँ से जाने के बाद वो गाड़ी में ही किस करने लगते हैं। उसके दोस्त आते हैं तो निक और नोआ को देख लेते हैं, जिस पर निक का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर निक की फाइट होती है, तो नोआ उसे फाइट करने से मना करते हैं, लेकिन निक नहीं मानता, तो नोआ वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर उसे निक का एक दोस्त मिलता है, जो नोआ को किस करने लगता है। तभी निक भी फाइट जीतकर बाहर आता है, तो यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। निक उस लड़के को मारकर भगा देता है। फिर निक नोआ से कहता है कि तुम किसी के इतने करीब मत जाना। नोआ उसकी फाइट की वजह से उससे गुस्सा थी, तो वो उसे कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, इसलिए तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अगले दिन निक के पिता निक को बताते हैं कि नोआ के पिता जेल से बाहर आ गए हैं। वो नोआ को बहुत ज्यादा मारते थे और नोआ के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं, वो उसके पिता की मार के हैं। निक के पिता उसे बताते हैं कि नोआ के पिता नोआ और उसकी माँ को मारना चाहते हैं, इसलिए निक के पिता चाहते हैं कि निक नोआ और उसकी मॉम का ख्याल रखे। फिर हम देखते हैं निक साये की तरह नोआ के साथ रहता है और उसे हर किसी से बचाकर प्रोटेक्ट करता है। फिर निक और नोआ एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और अब वो नहीं चाहते थे कि उनकी मॉम डैड उनको साथ देखे, इसलिए सुबह होते ही निक नोआ को अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन तभी निक के पिता उनको देख लेते हैं। निक के पिता निक की बहन की बीमारी का बताने आए थे, लेकिन उसको नोआ के साथ देखकर उस पर काफी गुस्सा होते हैं। फिर निक नोआ के साथ अपनी बहन से मिलने जाता है और जब वो घर वापस आ रहे थे, तो निक नोआ से कहता है कि अब हमारे घर वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात है। वो दोनों इस आखिरी रात को यादगार बनाने के लिए समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहां वो दोनों काफी रोमांटिक नाइट गुजारते हैं। निक नोआ से कहता है कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं थी। वो लोग कार में जा रहे थे जब निक कार रोक करके शॉप से कुछ लेने जाता है, तो पीछे से निक के साथ लड़ने वाला लड़का नोआ को अगवा कर लेता है और निक अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है, तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, तो निक पहचान
लेता है कि ये उसका राइवल है। फिर हम नोआ को देखते हैं तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने अगवा करवाया था। वो नोआ की मॉम को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम मांगता है। निक के पिता कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, तो वो एड्रेस बताकर वहां पैसे लाने को कहता है। नोआ की मॉम अपने पति के साथ पैसा लेकर नोआ के पिता के बताए एड्रेस पर जाती है। पुलिस वाले भी भेष बदलकर उनके साथ थे, लेकिन नोआ के पिता ने उन सब पर नजर रखी हुई थी। उसे वहां कैमरा भी लगा रखा था जिससे उनकी बातें भी सुन रहा था। नोआ की मॉम अपने पति को बताती है कि मैं जानती हूँ उसे पैसे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें दुख देने के लिए ये सब कर रहा है। निक से एक लेडीज पुलिस पूछती है कि तुम अपने राइवल से रेस हार गए थे, तो वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था। वो उसे बताता है कि उसने चीटिंग की थी। निक उसे बताता है कि मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस कार के पैसे मैं अभी भी भर रहा हूँ। यही पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा था, तो निक उस गाड़ी को ट्रैक करता है जिससे उनको नोआ की कार का लोकेशन पता चल जाता है। नोआ के पिता उनकी बातें सुन रहे थे। उनको जैसे ही ये पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोआ को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। नोआ ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी और यही हमें पता चलता है कि नोआ के पिता ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ गाड़ी रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रख कर उसे गाड़ी चलाने को कहते हैं क्योंकि निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोआ की कार आमने सामने आती है तो निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर को देख कर नोआ झुक जाती है। उसके नीचे झुकते ही वो लेडी ऑफिसर गन शूट करती है और गोली नोआ के पिता को लगती है जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। नोआ गाड़ी रोक कर भागते हुए निक के पास जाती है, वो दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चोरी चोरी नोआ के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। नोआ उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर हम निक और नोआ के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमें इन दोनों के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना है। हम जानते हैं कि दो प्यार करने वालों को अलग करने की पूरी दुनिया भी जोर लगा ले तो भी अलग नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद अलग ना होना चाहे। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।